मैं रेणुका सिंह श्री राजपूत कर्मी सेना की मैं प्रदेश संरक्षक हूँ झारखंड की। मैं झारखंड प्रदेश की प्रदेश संरक्षक हूँ श्री राजपूत कर्मी सेना की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो टिकट का बंटवारा हुआ है झारखंड जैसे प्रदेश में, तो माननीय मोदी जी को हम ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी, हम राजपूतों का विरासत हिंदुस्तान को बचाने में समाप्त हुआ है और वो राजपूतों को अपने ने बहिष्कार करके एक भी राजपूत को आपने टिकट नहीं दिया वहाँ झारखंड में, जबकि 7% राजपूतों की संख्या वहाँ पर है और उसमें एक टिकट नहीं दिया। और दूसरा हम लोगों का दुख का ये कारण है कि सिटिंग सांसद, हमारे सम्मानित सांसद, हमारे पीएन सिंह जी धनबाद से और चतरा से सुनील सिंह जी जैसे लोगों को जो सिटिंग सांसद का टिकट आपने काटा, इसका वजह क्या रहा है और आप क्या बताना चाहते हैं राजपूतों को कि आप लोगों का अस्तित्व मिट गया है? इस भ्रम जाल में मत पड़िए। मैं अमित शाह जी को बताना चाहती हूँ, आप लोगों का सपना है कि अगले चुनाव में 2024 में जो भी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, इसकी व्यवस्था आपने तय किया है। आप इस भ्रम जाल को छोड़ दीजिए। वो झारखंड है, कमल को मुरझा के फेंक देगी जंगल में। इस बार अगर कमल खिल गया तो हम चुनौती देते हैं उनको, एक भी प्रत्याशी जिता कर देखते हैं। हम सभी राजपूतों से आह्वान करते हैं कि थोड़ी भी आत्मीयता आप लोगों के अंदर होगी, अपनी मर्यादा को आप लोग बचाना चाहते होंगे, अपने अस्तित्व को बचाना चाहते होंगे, राजपूतों के सम्मान और गरिमा को बचाना चाहते होंगे, तो तन मन धन लगा के पूरे ताकत और शक्ति के साथ दिखा दीजिए चुनौती उस गुजरात के दोनों भाइयों को कि गुजराती बंधु, झारखंड में आप लोग का चाल चरित्र नहीं काम आएगा। अगर राजपूतों का सम्मान होता तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का भी सम्मान होता वहां, और जितने सीटों से उन्हें भाजपा का प्रत्याशी दिया था वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के होते, राजनीति में कभी उनका बहिष्कार नहीं होता। लेकिन हम राजपूतों का सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम लोग भाजपा का वोट बहिष्कार करेंगे और कमल नहीं खिलने देंगे। इसके पीछे मेरी चुनौती है।